तो दोस्तों वेलकम टू एमकेपी गुड टिप्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताया जाएगा, अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखिए, जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं क्या उस ट्रेन में कितना सीट खाली है और कितना सीट जो है फुल हो चुका है, और कितने समय के अंदर में वो सीट जो है बचा हुआ है वो फुल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप अभी करेंगे तो कंफर्म टिकट होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों आइए जानते हैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको IRCTC, आप इमेज में देख रहे होंगे, मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे IRCTC रेल, तो यहाँ पे आपको सिंपली सी टाइप करना है। तो ये जो है देखिए आ जाएगा इस एप्लीकेशन, देखिए नीचे में लिखा हुआ IRCTC ऑफिशियल है, तो ये जो है रेल का जो ऑफिशियल ऐप्स है, जो भी अपडेट आता है तो यहीं पे आपको मिलेगा टिकट के रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम इसको आप जो है इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से वीडियो देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान माई जर्नी पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर फ्रॉम और उसके बाद टू, तो फ्रॉम का मतलब होता है तो आप कहाँ से कौन स्टेशन से बैठ के जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम यशवंतपुर स्टेशन से बैठ के जाना चाहते हैं रेलगाड़ी में। तो दोस्तों यहाँ पर यशवंतपुर आप टाइप कर देंगे, और कहाँ पर दोस्तों आप उतरना चाहते हैं तो टो में वही आप सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम भागलपुर में उतरना चाहते हैं। उसके बाद कौन से डेट में आप जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी अहम बात है। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा कैलेंडर मिल जाएगा, आप किस महीने में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम फरवरी में जो है 8 तारीख को जाना चाहते हैं, चलिए दोस्तों यहाँ पर 8 क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके पर डन कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सीधा जो है सर्च ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना है, रेड कलर का है, तो ये ट्रेन सर्च हो जाएगा तो आपके सामने ये खुल जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, देखिए ये अंग एक्सप्रेस है, जितने भी ट्रेन चलेगी उस रूट से जहाँ से आप सर्च किए हैं और जहाँ आपको जाना है तो वो आपका ट्रेन आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना समय में ये ट्रेन खुल जाएगी, उसके बाद यहाँ तक इतना समय में आपको पहुँचा दिया जाएगा, और बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दूरी तो आप देख सकते हैं इतना आपको समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली से हम इस ट्रेन के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 2A आ रहा है, 3A आ रहा है, SL आ रहा है, मतलब इसका हो गया सेकेंड AC 2A का मतलब, और 3A का मतलब हो गया उसके बाद पर ऐसी नहीं स्लीपर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको हम बता दें, सबसे पहले हम 2A पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रीन आ रहा है सबसे 8 फरवरी को, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो कुछ नीला कलर का है जो है, तो ये देखिए अभी आप जब बुक करेंगे ये बुक नहीं होगा, क्योंकि 95% जो है यहाँ पे चांस रहता है आपको नहीं बुक रहने का। दोस्तों ये जो जब आप ग्रीन स्क्रीन जब आप देखेंगे जिस भी डेट को, तो यहाँ पे आपका यदि अगर अभी आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो आपका अभी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों अभी, जैसे ये देखिए 29 फरवरी को है तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन यानी कि हरा रंग है, तो ये है कन्फर्म अगर आप अभी करते हैं तो आपका बुक हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम 3A पे क्लिक करते हैं। 3A पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 7 को भी है, यानी कि जितना भी आपको ग्रीन स्क्रीन मिलेगा, ग्रीन में लिखा हुआ रहेगा वो कन्फर्म है, आप कभी भी बुक कर सकते हैं। मतलब जिस तारीख को आपको जाना है, बस ये आपको समझ लेना है कि जब ग्रीन स्क्रीन रहेगा तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो ये जो बाकी बात आप देख रहे हैं तो ये कंफर्म होने के चांसेस कम रहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्लीपर में चलते हैं। स्लीपर में आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 8 फरवरी को अगर हमको जाना है तो यहाँ पे बुक नहीं होगा मेरा कंफर्म टिकट। अगर हम यही डेट 22 फरवरी को जाते हैं तो मेरा जो है कंफर्म
टिकट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, और ये जो है अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए दोस्तों। और जो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना, सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। और कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर एक नए टॉपिक में। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।